ये कोई वक्त है कबाड़ देखने का? कबाड़ नहीं, दरवाजा बंद करने को कह रही है। तो ऐसे बोलो ना। सुनो, आलू रखे हैं बाहर, ब्रिज में रख दो आलू को। अरे भालू ब्रिज में खड़ा है? अरे ब्रिज में खड़ा है तो खड़ा रहने दो, तुमको क्यों तकलीफ हो रही है? अरे भाई भालू नहीं, आलू आलू, मेरे तो नसीब ही फूट गए। गरीब कौन गरीब टूट गया? बस तुम रह नहीं दो, मैं तो खुद ही कर लूंगी सब कुछ। कुछ करना नहीं, बस ऊंचा ऊंचा। बुढ़ापा भी एक मुसीबत है, मुझे दिखाई नहीं देता, इन्हें सुनाई नहीं देता। राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक घोड़ी, और किस्मत हमारी खराब है। बताओ जिए तो क्या करें, जी के बहरे आदमी के साथ तो बिल्कुल ही जिद गया। अरे सब्जी खा ली, हद ही कर रखी है। Thank you.
अबे ये भी चोर। अबे मैडम। हाँ हम भी चोर। चला जा फिर बैठते हैं। आजा। हाँ आराम से। धीरे धीरे धीरे। नाम क्या है तेरा? मेरा नाम मोना। तुम दोनों का? प्रेम। तुम्हारा? मेरा नाम विशाल। अच्छा चोरी करने क्यों आई? एक्चुअली ना मेरे को नई नई ब्रांडेड चप्पलों का बहुत शौक था, पैसे मेरे पास होते नहीं थे तो मैंने चोरी स्टार्ट कर दी। चप्पल ही चोरी करनी थी तो मंदिर चली जाती? चली तो जाती पर वो कल ना चाय की दुकान पे। ए लो भैया। अरे लल्लन तुझे पता है चौधरी अंकल की बेटी आई है विलायत से। बेटी आई है विलायत से। पहले तो अंकल आंटी आपस में इशारों में बातें करते रहते थे। सही कह रहे हो भैया, अंकल को ठीक से सुनाई नहीं देता और आंटी को ठीक से दिखाई नहीं देता, है ना? ठीक कह रहे हो। और अब तो घर में खूब रौनक हो रही है भैया। रौनक तो होगी भाई, विलायत से जो आई है बेटी। और चप्पलें लाई है नई नई अंग्रेजी स्टाइल की। कैमरा, बड़ा मोबाइल और गाना बजाने की बहुत बड़ी मशीन भी लाई है। अब तो उनका अच्छा टाइम पास हो जाएगा। अरे खाने पीने को केक पेस्ट्री ना जाने क्या क्या ले जा रहा है घर के अंदर। भैया बड़े लोगों की बड़ी बात है भाई, रौनक ही रौनक है। सही बात है। इस हिसाब से तो सारे एक ही बरादरी के हुए। चल अच्छा है जान बचा के
सहेली से मिलने चंडीगढ़ चली गई, आनी चाहिए उसे। रुको ना मैं क्या करूं, मैं कर रही हूं। एक मिनट, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा आपको, मैं कुछ नहीं होने दूंगी आपको, कुछ नहीं होने दूंगी आपको। अंकल जी, अंकल जी, सास, सुन, तू अंकल को संभाल, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ, ध्यान रखना। क्या हो गया कर्नल साहब? मिसेस चौधरी, प्लीज आप पिलो दीजिए, ये पिलो लगा पाओगे नीचे, जल्दी ले आओ। देखो प्लीज, जल्दी देखो, एक डॉक्टर, तुम शांत हो जाओ, देखो डॉक्टर साहब आ गए, कुछ नहीं होगा आपको। आइस खोलो, आइस खोलो, डोंट वरी, डोंट वरी, कूल डाउन। थैंक टू गॉड कर्नल साहब, आज आप लोगों ने मुझे यहाँ पर सही टाइम पर बुला लिया, अदरवाइज आपके साथ कुछ भी हो सकता था। आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आप लोगों को पहले तो कभी नहीं देखा। हाँ, तुम हो कौन? चोर। अरे अरे अरे, एक मिनट मैडम, एक मिनट, क्या हुआ मैडम, एक मिनट बात तो सुनिए, क्या हुआ क्या? डॉक्टर साहब, हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली है कि साहब आप कैसी तबीयत है आपकी? इंजेक्शन लगाने के बाद थोड़ा सा आराम Sorry for the inconvenience. मुझे थोड़ी आपसे इंफॉर्मेशन चाहिए थी अबाउट दीज थीव्स। जी पूछिए। ये लोग चोर हैं, तो हम लोग इनको गिरफ्तार करने के लिए आए। अरे मैडम, ये बताइए कौन चोर नहीं है? दुनिया में हर आदमी किसी ना किसी पॉइंट पर चोरी करता है। अब देख लीजिए हमारे कान्हा जी को, हमारे कान्हा जी माखन चोरी करते थे, लेकिन सारा जगत उनकी पूजा करता है। जिंदगी में, दुनिया में हर इंसान जन्म से चोर नहीं होता, हालात और मजबूरी उनको चोर बनाती है। देखिए ना, अगर इन लोगों में इंसानियत नहीं होती तो क्या ये लोग मुझे यहां लेकर आते? अगर हम प्रण कर लेना कि किसी आदमी को हमने सुधारना है, चोर को चोरी करने से रोकना है, उनकी हेल्प करें, उनको सुधारने की कोशिश करें, तो डेफिनेटली सुधर सकते हैं और इस दुनिया से चोर नाम का पॉइंट गायब हो सकता है। छुबंतर मैडम, प्लीज, मैं डॉक्टर साहब की बात से पूर्ण तरह से सहमत हूँ। आपने सुना है ना, लेट द फर्स्ट स्टोन बी थ्रोन बाय द पर्सन हु हैज नेवर कमिटेड अ सिन। मैडम, इन तीनों विचारों को छोड़ दो, मैं इनकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है सर, अगर आप कहते हैं तो विल फॉलो एज यू से। चलिए यहाँ से। Thank you.